हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि आपका भाई एकदम रेडी खड़ा है, अभी पता है जाने के लिए रेडी खड़ा है। तो भाई मैं जा रहा हूँ इनके मतलब माता जी के मामा के यहाँ पे, उनके यहाँ पे भाई भागवत हुई थी, तो आज भंडारा है। और मम्मी के मामा के लड़के हैं अरविंद मामा, ठीक है, मतलब मेरे मामा हुए। नाना के लड़के या बाबा के लड़के कुछ भी कह सकते हो, नाना बाबा दोनों रिश्ते चलते हैं, क्योंकि नानी के भैया हैं तो नाना भी और बाबा भी दोनों लोग कह सकते हो। तो अरविंद मामा के लड़के का जनेऊ है, उसकी भी दावत है। तो भाई वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को वहाँ का दिखाते हैं चल के क्या है। आज मेरा फास्ट और है, आज है भाई सावन का पहला सोमवार, तो मेरा फास्ट है, मेरा भी और इसका भी, किट्टू का भी। तो हम दोनों लोग तो व्रत हैं, बट शाम को खाना है, तो सोमवार को अगर फास्ट रखते हो तो एक बार खा सकते हो। तो भाई शाम को वहाँ पे खाएंगे भी। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि पापा बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हो। पापा ने इतनी अर्जेंट में डिसीजन लिया है, मैं शॉप से आया था घर, मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, शॉप से घर पे आया, तो वहाँ से कॉल वगैरह आ रही थी मम्मी के मामा के यहाँ से कि आ नहीं रहे हो। तो बताया मम्मी ने कि वहाँ से कॉल आ रही, क्या किया जाए। तो भाई मम्मी कह रही है तुम पता भी नहीं कर पाओगे, किसी दिन तुम्हारी शादी भी पापा पक्की कर देंगे ऐसे ही। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, अब जाना पड़ रहा है तो अर्जेंट में जा रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं, लेट नहीं होते क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 4 बजने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं और अभी हैं अपने वाले हाईवे पे, जो हमारे शिवरामू वाला हाईवे ना, उसी पे। ये देखो भाई, एक तो वेदर देखो कितना अच्छा आ रहा है, देख रहे हो, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और ये बादल वगैरह देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और टोल पे आ चुके हैं भाई, ये नबीगंज वाला टोल है ना, तो वहीं पे आ चुके हैं। ये है भाई टोल, यहाँ पे टोल कटेगा और उसके बाद सीधा कहीं नहीं रुकना है, सीधा भाई पहुंचेंगे मम्मी के मामा के यहाँ पे। तो भाई अभी जैथरा पहुंचने वाले हैं, हाईवे वगैरह से उतर आए कुरावली आके, और जैथरा वाली रोड पे चल रहे हैं। और भाई इतनी अच्छी लग रही है रोड, चारों तरफ इस पे पेड़ है, मतलब अपने रोड पे तो पेड़ रहे ही नहीं है इसे, और बहुत अच्छी लग रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। पतली सी रोड और दोनों तरफ पेड़, ये देखो भाई पतली सी रोड है, केवल मतलब दो बाइक वो मतलब दो कार आ जाए तो एक साथ में नहीं निकल सकती है, और दोनों तरफ ग्रीनरी, ऐसी सारी रोड है, इतनी अच्छी लगती है ना। तो भाई फाइनली अब पहुंच चुके हैं मम्मी के मामा के गांव में, और उनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने, ठीक है। और ये मम्मी के बड़े मामा का घर यही है, ये वाला है, ठीक है, ये है मम्मी के बड़े मामा का घर। और अब अपनी गाड़ी भी रुक चुकी है तो उतरते हैं। भाई मैं अभी घूम रहा हूँ मामा जी के साथ में, और ये देखो काम करने वाला कुली, सभी के बैग ढो रहे हैं, और जो मैंने अभी दिखाए थे ना वो पुलिस वाले, वो मेरे मामा थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे दावत है वहाँ पे, तो फटाफट चलते हैं और वहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी इनसे मिलो। ये है हमारे मामा जी, ठीक है, ये उन मामा से छोटे वाले मामा जी हैं, और अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं चल के। और फिर चल रहे हैं और मम्मी पापा, और आगे चल रहे हैं अनु मामा, और ये चल रही किट्टू, और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ भाई, सीधा वहाँ पे चल के आप लोगों को वहाँ का दिखाते हैं चल के, यहाँ पे दावत वगैरह हो रही है, यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे खाना वगैरह चल रहा है, और अब चलते हैं ऊपर और वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं चल के। चल रहा है खाना वगैरह, देख रहे हो यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है और सभी मस्त होके खा रहे हैं। बाकी भाई शोर बहुत ज्यादा है तो मेरी आवाज बहुत कम ही आ रही होगी, भाई यहाँ पे हुई थी भागवत। और ये रहे मम्मी के मामा जी, छोटे मामा बड़े मामा, और ये मम्मी खड़ी है अपनी मामी के साथ में, देख रहे हो भाई। अभी हम लोग भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, इधर किट्टू और मैं, इधर मम्मी पापा, भाई हम लोग बैठे हैं, अभी खाना दिखाएंगे आगे खाना कैसा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, मैं खा चुका हूँ पहले भी, बाकी सभी चीजों के नाम बताएंगे, उन सब्जियों को क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या चीजें सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। अभी ग्लास और पत्तल आ चुके हैं, बाकी पत्तल देखो कैसी होती है, एकदम प्लेन पत्तल है, एक भी इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं बने होते, एकदम प्लेन होती है। मम्मी अपना ग्लास पकड़े बैठी है पानी लेने के लिए, पानी दे दो भाई कोई, बाकी भाई पानी भी आ चुका है। और इधर पूड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई भाई, पूड़ियाँ ये देखो पूड़ियाँ रखी जा रही हैं, और ये सब्जी भी आ गई, इकाई की सब्जी है, टमाटर आलू भाई, ये छिकलदार आलू बनते हैं, और देखो ऐसे ही बर्फी आएगी, सारी सब्जी वगैरह जो भी होगी सब ऐसे ही बर्फी आती है। दूसरी सब्जी आ चुकी है काफी फल की, और ये भी देखो ऐसे ही बर्फी गई है,
और अब खाना स्टार्ट करते हैं। बाकी ये देखो सबसे ज्यादा भूखी आई अपने मामा के यहाँ खाने के लिए। देख रहे हो सबसे पहले खाना स्टार्ट कर दिया मम्मी ने। बाकी अब हम भी स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज आती रहेगी वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। और भाई ये लड्डू भी आ चुके हैं अपने लिए और एक पूड़ी मैं खा चुका हूँ, दूसरी खा रहा हूँ और तीसरी रखी हुई है। तो भाई अब ये भी खाते हैं। भाई ये सब्जी बहुत बढ़िया है। और भाई एक चीज और आ चुकी है, ये रायता, इसे बोलते हैं सर्राटा। इसमें भाई आधा मट्ठा और आधे से ज्यादा पानी होता है, मतलब आधा भी मट्ठा नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा होता है। सिर्फ मम्मी बोल रही है दो बूंद मट्ठा होता है। भाई सही बात है, दो बूंद ही होता है। हाँ भाई रखो पूड़ी, बिल्कुल भाई रखो। देख रहे हो भाई खाना लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं आपका भाई। तो भाई खाना वगैरह खा लिए हैं और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे नाना के घर के जस्ट पीछे है काली नदी, तो वहाँ पे घूमने के लिए, और मतलब घूम वहाँ पे आए गए हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच ही चुके हैं। ये देखो ये रही ये भाई काली नदी है और इधर ये पीछे देखो कैक्टस कितने ज़्यादा। बाकी वेदर तो इतना अच्छा हो ही रहा है, बट भाई मैं सोच रहा था कि यहाँ पानी से खेलेंगे, बट भाई बिल्कुल नहीं खेलेंगे। एक तो काली नदी का पानी देख रहे हो कितनी मिट्टी हो रही है और इसमें जानवर कितने सारे हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार। भाई काली नदी ठीक है उधर से आ रही है, इसमें पानी किधर को जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। और इतनी सारी गाय भैंस इसमें, मतलब गाय तो है नहीं, सारी भैंस है। हाँ इधर को भाई जा रहा है पानी, इस साइड को पानी जा रहा है। और इसमें देख रहे हो जानवर कितने मस्त हो गए, नार कितनी गहरी है, जानवर सब डूबे हैं। ज्यादा गहरी तो नहीं है फिर भी, मतलब इधर से जानवर उधर निकल गया और क्या चाहिए है। देख रहे भाई खड़े हैं मालिक और सबकी वैसे अब निकल के जा रही है, देखो एक एक करके। ये सबसे बेस्ट लग रहा है, अपने आप सारी निकल के जा रही, किसी को पानी में घुसना भी नहीं पड़ा। भैया पीछे से और आ रही है भाई, पीछे से इतने सारे जानवर आ गए, ये मारते ना हो केवल। इधर आओ ये देखो भाई इतने सारे जानवर की मारते ना हो। ये सब भाई अभी देखना नदी में ही जाएंगे, ये सब नदी की तरफ आ रहे हैं और सब नदी में जाएंगे। इससे तो फेमस भाई ये किट्टू वाली कैसे देख रही है, इसको भी फेमस होना है। देख रहे सब देखो इतने सारे आ रहे ये इधर से, और ये सब देखो नदी में ही, और ये सब उसी साइड निकलेंगे क्या, हमें लग रहा है उधर ही जाएंगे भाई सब। ये देखो सब घुस गए एक एक करके, अब वो गाय भी आ गई भाई, उतने टाइम गाय नहीं थी, वो गाय आ रही, उसके साथ में बच्चा देख लो कितना छोटा बच्चा है। भाई हमें लग रहा है ज़्यादा गहरा ही है नहीं, ये सब उधर ही निकलेंगी ना, उसी साइड ही आएंगी, बीच में गहराई नहीं है, गहराई नहीं है बीच में, है गहराई भाई, सब उसी साइड निकल के जाएंगी, जितनी भी हैं सब उसी साइड जा रही हैं, सब उधर वाले निकल के गई ना, ये भी सब उधर ही आएंगे। और बच्चा देखो गाय का बच्चा है, छोटा सा सर दिख रहा है उसका, वो देखो वो भी निकलता हुआ जा रहा। और ये गाय देखो कैसे कर रही है, पानी की वजह से पानी निकल गई, सब उधर ही निकल जाएंगी। लोग भी निकल के जा रहे हैं, जानवर तो निकल गए और अब लोग भी जा रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के जानवर थे वही लोग जा रहे हैं उधर से भाई, मतलब नदी पार करके इधर जानवर वगैरह को घास खिलाने लेके आते हैं, और अब साथ में जा रहे सब देखो उन्हीं के। और इससे पता चल जाएगा कितनी गहरी है नदी, इन लोगों को डर भी नहीं लगता भाई नदी क्रॉस करते हुए, पानी तेज आया बह जाए साथ में। सब बीच में पहुंच गए देखो, बीचों बीच में वो बच्चा था भाई, देख रहे हो वो भी निकल गया। ये देखो लोग भी जा रहे हैं, सब भी निकल जाएंगे एक एक करके। बाकी भाई इधर का वेदर देख रहे हो, ये अच्छा लग रहा है, कितना बेस्ट है ना। और ये है भाई पूरी नदी, इधर को जा रही है, देखो इतना पानी है, उसके बाद सर दिख रहा है उस जगह पे। बाकी वो दो भाई निकल गए, ये इतना ज्यादा पानी है, निकल गए भाई वो भी। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि पापा जी उधर से इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो भाई चलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को निकलना भी है, लेट नहीं होंगे ज्यादा क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा इस वजह से। ये चीज देख लो जा तो राय था, और ये भाई इधर आने पे पड़ते हैं, पहले कैक्टस पड़ते हैं और वहाँ पे पापा खड़े हैं उस जगह पे, वहाँ पे थे पापा भी, वहीं से वो देखो खड़े हैं, खड़े क्या हैं देख रहे, तो चलते हैं। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये देखो सारे कैक्टस के इन पे येलो फ्लावर आ रहे हैं। और ये थी नदी,
तो चलते हैं फटाफट। देखो देखो, मम्मी अपने मामा के गांव में अपना पुराना व्यवहार निकाल लेंगे लोगों के साथ खड़े होके। बाकी ये है मम्मी के मामा का गांव और कुछ ऐसा मम्मी इंट्रोडक्शन दे रही हैं, पापा सब बता रहे हैं। अभी मौसी जी खड़ी हैं और मामी हैं, बाकी सभी लोग खड़े हैं, कुछ लोग साल के पीछे हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं तो सभी लोग विदाई देने के लिए खड़े हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा घर पे। बाकी ये मामा खड़ा है अपना, ठीक है, एक छोटे मामा है। तो भाई मम्मी के मामा जी के यहाँ से निकले हुए थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा क्या मतलब लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा, ठीक है। और अब जा रहे हैं सीधा घर पे, घर पे जाके काम करना पड़ेगा, रेक्सी को घुमाना पड़ेगा, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। और भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 8:30 हो गए हैं, तो मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है और अपलोड भी करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, जिससे मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँगा जब तक घर पहुँचूँगा तब तक, उसके बाद रेक्सी को घुमा लेंगे और वीडियो अपलोड कर लेंगे। तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।